सलमान के प्रशंसक इस हफ्ते आने वाली उनकी फिल्म दबंग 3 के बारे में खुद सलमान के मुंह से कुछ जानना चाहते हैं। अपने फैंस के लिए खुद सलमान दैनिक भास्कर को बता रहे हैं अपनी इस फिल्म के और कुछ अन्य बातों के बारे में। बकौल सलमान, मेरी दबंग फ्रेंचाइज के शुरू होने से पहले तक जैसे ही यह शब्द किसी के मुंह से सुनने को मिलता था तो उसके मायने नेगेटिव सेंस में ही लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं है। जब से इसकी शुरुआत हुई है, दबंग शब्द के मायने पॉजिटिव रूप में लिए जाने लगे हैं। लोग इसे सबको बचाने वाला और सबकी रक्षा करने वाले के सेंस में देखने लगे हैं। मेरा किरदार चुलबुल पांडे दबंग है और पॉपुलर भी। दूसरी तरफ मेरी फिल्म गर्व का अर्जुन राणावत जैसे ईमानदार पुलिस वाले का किरदार भी पॉपुलर है। देखा जाए तो ईमानदारी भी अपने आप में एक तरह की दबंग गई है। मैं पाठकों को बताना चाहूंगा कि मैं किसी किरदार के करीब नहीं हूँ। जब कोई मुझसे चुलबुल पांडे के मेरी असल जिंदगी के करीब होने या ना होने का सवाल करता है तो वे मुझे जरा अजीब सा लगता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिरकार क्या जरूरत है कि हर किरदार उसे निभाने वाले एक्टर की जिंदगी के करीब हो ही। वह किरदार महज एक किरदार है। पर्दे पर हमें बस एक सिनेमैटिक लिबर्टी मिल जाती है जिसके ऊपर हम खेलते हैं। वरना जिस तरीके से चुलबुल पांडे लोगों की सुताई कर रहे हैं, उन्हें माच रहे हैं, उन पर जांच बिठाई जाए तो वे सीधा अंदर होते। इस फ्रेंचाइज को प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ एक लंबा एसोसिएशन भी है। इस बार उन्होंने बहुत नचाया है मुझे। शूट के दौरान आलम ऐसा रहा कि जब जब एक्शन के बाद डांसिंग का सीक्वेंस आया करता था तो मुझे डर लगा रहता था कि इस बार अब तो घुटने फूटेंगे, कमर लचकेगी। पर वह तो बहुत आराम से कर ले जाते हैं। इस बार एक्शन का स्केल बहुत बड़ा है। उसकी पैमाइश में 40 से 50 गाड़ियों के उड़ने से या विलेन के हवा में उड़ने से नहीं करता। मेरे ख्याल से एक्शन का इमोशन सही होना चाहिए। दबंग फ्रेंचाइज के लिए हमारे सामने यह चुनौती होती है कि इसका एक्शन बाकी फ्रेंचाइज से अलग रखना होता है। इसका म्यूजिक भी बिल्कुल अलग सा सुनने को मिलता रहता है। उसकी शुरुआत तो पहले कैरेक्टर की चाल ढाल और आवाज से ही बाइफर्केट होने लगती है। देखा जाए तो चुलबुल पांडे अनप्रेडिक्टेबल है। वह काफी लॉयल है। उसकी शादी को हालांकि 10 साल हो गए हैं पर वह अपनी पत्नी के साथ काफी रोमांटिक है, फैमिली मैन है, पूरे खानदान को साथ लेकर चलता है। तो ये पॉजिटिव चीजें नोटिस हो जाती हैं और इस कैरेक्टर को बनाती हैं। शेख हसीना का टाइम मैनेजमेंट पसंद। सलमान कहते हैं, मैं हमेशा अपना टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं 3 से 4 घंटे ही सोता हूँ। मेरे ख्याल से उतना काफी होता है। बॉडी क्लॉक ही वैसा है। वैसे भी ज्यादा सोकर आप करोगे क्या? मुझे बांग्लादेश की PM शेख हसीना का टाइम मैनेजमेंट काफी इम्प्रेसिव लगता है। हाल ही में मैं बांग्लादेश गया था। वहां हमें शेख हसीना से मुलाकात का 5 मिनट का ही वक्त मिला था। वे बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बहुत बिजी हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके हमारा पूरा फंक्शन देखने के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ वक्त बिताया। आमतौर पर लोग 5 से 10 मिनट देकर चले जाते हैं। उन्होंने सब आर्टिस्ट्स की इज्जत रखी, फंक्शन को एंजॉय भी किया। तो यह है टाइम मैनेजमेंट वाली बात। फंक्शन में वे न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि वहां मौजूद आम नागरिकों से भी मिली। ऐसा टाइम मैनेजमेंट मुझे काफी इम्प्रेसिव लगता है। मेरी जिंदगी के दबंग तो मेरे पापा मम्मी और परिवार वाले हैं। मेरी असल जिंदगी में मौजूद दबंगों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर मेरे फादर सलीम साहब से लेकर सभी फैमिली मेंबर मेरे लिए दबंग हैं। सबसे दबंग तो हमारी मम्मी होंगी। उनके बाद हम सब का नंबर आता है।